नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर तीन चीज़ों की बात करी है। सबसे पहली चीज़ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी खुद की आज़ादी, कुछ भी करने की हमको फ्रीडम। तीसरी है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि ऐसा स्टेट कुछ भी नहीं कर सकती जिससे हमारी जो राइट टू लाइफ डिप्राइव हो, पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो। ये दो चीज़ें कि हमको राइट है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए, लेकिन जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, वो डिप्राइव कर सकती है सिर्फ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से, लॉ में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो हमारी जो ये है, ये दो चीज़ें हैं लाइफ पर्सनल लिबर्टी, उसको डिप्राइव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब मैं आपको इन दोनों का अंतर बताता हूँ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि मान के चलो कि एक लॉ है जो कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी एक ऐसा आदमी दिखता है जिस पर आपको बिल्कुल भी शक होता है कि यार ये एक क्रिमिनल है या कुछ भी है, तो आप इसको आप डिटेन कर सकते हो, इस आदमी को आप डिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो पुलिस वालों ने मुझको डिटेन कर लिया। अब मैं गया सुप्रीम कोर्ट में, यार ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ये तो किस बिहाव पर इन लोगों ने मुझको डिटेन किया है, किस बिहाव पर अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने मुझको। तो वो बोलते हैं पुलिस वाले, गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये लॉ है, देख लो लॉ, उसमें हमको साफ साफ पावर दी गई है इस लॉ के अंडर कि हम आपको डिटेन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ यार बात तो सही है, हमारे उसमें, हमारे इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। अगर हमारे इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता जो कि अमेरिका में फॉलो होता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग लॉ भी देख सकते थे कि लॉ रीजनेबल है या नहीं। मैं मानता हूँ कि लॉ रीजनेबल नहीं है कि किसी को भी डिटेन आप कैसे कर सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता ना। हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है कि एक लॉ बन गया, वो बन गया, अब वो लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉ को नहीं देख सकते कि लॉ रीजनेबल है या नहीं है, हम यहाँ पर एक्शंस देख सकते हैं जो कौन उसको इन्फोर्स करवा रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव्स, पुलिस वाले, कि एग्जीक्यूटिव के एक्शन ऐसे हैं क्या जिससे आपकी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो रही है, कि पुलिस वालों ने कुछ ऐसा किया है क्या, तो बताओ आप, हम लॉ का कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश, ये अभी मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी है, अभी आप थोड़ा आप समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि राइट ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, जो हमारे उसमें है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है आर्बिट्रेरी पावर से एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, मतलब एग्जीक्यूटिव्स के जो एक्शन है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, वो मनमानी तो नहीं कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन है उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती हमको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वहाँ पर लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है, मतलब कि लॉ ने, एक लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया तो वो लॉ नहीं देखा जाएगा कि वो रीजनेबल है या नहीं है, वो लॉ सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखा जाएगा। कि एक लॉ तो है कि डिटेन कर सकते हो आप, लेकिन उस टाइम पर वो जो इन्फोर्सेबल जो लोग हैं, पुलिस वाले या ये लोग, वो लोग तो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे हमारी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी हार्म हो रही है, वो लोग तो उनके ऊपर आप आर्टिकल 21 का वायलेशन के लिए आप पिटीशन लगा सकते हो, आप इनके लिए नहीं लगा सकते कि लॉ ही कैसा है, वो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जैसे अमेरिका में फॉलो होता है तो वहाँ पर लॉ भी देखा जाता है कि लॉ रीजनेबल है क्या। अगर यही वाली चीज़ अगर अमेरिका में होती तो वो बोलते कि यार ये कैसा लॉ है, ये कोई रीजनेबल लॉ है क्या, हट, ऐसा अमेरिका वाले बोल देते, लेकिन यहाँ पर बोले लॉ तो है, तो लॉ तो हम उठा नहीं सकते कि लॉ के हिसाब से तो आपको डिटेन किया है, तो उसमें मैं क्या करूँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसा बोलेगी। तो ये था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल केस की। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का ये केस है। अब इसमें क्या था, जो ए के गोपालन थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। एक एक्ट पास हुआ उस टाइम पर, एक्ट का नाम था
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते। तो ए के गोपालन जी को उन्होंने डिटेन करके रख लिया, स्टेट ने डिटेन कर लिया। अब ये जो ए के गोपालन है वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि यार मुझको डिटेन कर लिया, ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यार लॉ है ना ये, देखो 1950 का ये लॉ है तो सही, उसके अंडर आपको डिटेन किया है। तो वो तो ये तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही हो गया, तो ये कैसे आपका राइट, तो ये वायलेशन नहीं है आपका आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ये वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हुई है बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो मतलब लॉ तो है, अब लॉ सही है गलत वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, लेकिन तो मतलब कि कुल मिला के यहाँ तक सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यहाँ तक एक गोपालन तक का यही मतलब निकाला जा रहा था कि बस वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस तक वो देख सकती है। लेकिन लेकिन जो आर्टिकल 21 है उसकी काया पलट करके रख दी, वो था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। ठीक है, अब मेनका गांधी वाले केस में क्या हुआ था कि जो मेनका गांधी जी थी उनका पासपोर्ट सीज कर लिया था। अब पासपोर्ट सीज कर लिया तो मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि यार पासपोर्ट सीज कर लिया, मैं इंडिया से बाहर जा ही नहीं पाऊंगी ऐसे, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी पर अटैक है ये तो डायरेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट से पूछो तो सही कि उन्होंने किस बिहाफ पर इनका पासपोर्ट सीज किया है। तो गवर्नमेंट ने यह बोला कि सर हमने पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंडर इनका पासपोर्ट सीज कर लिया, ये जो एक्ट है पासपोर्ट एक्ट 1961 ये हमको पावर देता है कि हम पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी का भी पासपोर्ट हम सीज कर सकते हैं, ये एक्ट हमको पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कैसा एक्ट है, किस बिहाफ पर आप किसी का पासपोर्ट सीज कर रहे हो, क्या रीजन है, ये कहां से आपको फेयर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए, ये कैसा कैसा एक्ट कैसा है, ये आपने किस हिसाब से ये एक्ट बना दिया। तो यहां पर मेनका गांधी वाले केस में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जोड़ दिया गया, मतलब कि अब जो लॉ है उसकी वैलिडिटी भी देखी जाएगी कि वो लॉ वैलिड है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं। तीन चीजें फ्री सॉरी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, ये तीन चीजें हर एक लॉ के अंडर देखी जाएगी कि यार कोई भी लॉ है जिस भी लॉ के अंडर आपने किसी आदमी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया है तो वो लॉ फेयर जस्ट या रीजनेबल है या नहीं है, तीनों चीजें होनी चाहिए, है या नहीं है। तो इस एक्ट में पासपोर्ट एक्ट 1961 में आपने मेनका गांधी जी का आपने पासपोर्ट आपने सीज कर लिया तो किस बिहाफ पर सीज किया, क्यों किया है आपने, आपके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई, क्या हो गया ऐसा, क्या क्या इस एक्ट का रीजनेबलनेस बताओ आप, आपको लगता है ये रीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए और बिल्कुल सही थे। तो मेनका गांधी तो ये जो एक्ट है ये ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक्ट ये जो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला की जो केस है ये एक रिमार्केबल केस था क्योंकि यहीं से आप ये मान के चलो यहीं से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जोड़ दिया गया था। तो अब जब भी आर्टिकल 21 की जो पिटीशंस जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर अब हर जगह ये देखा जाता है कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शंस तो देखे ही जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शन तो आर्बिट्ररी नहीं है, नहीं है। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव की जो एक्शंस हैं वो आर्बिट्ररी हैं या नहीं है, लेजिस्लेचर के एक्शंस भी अब देखे जाते हैं आर्टिकल 21 के अंडर, एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेजिस्लेटिव एक्शंस। ठीक है, अब आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते कि मतलब अनरीजनेबली आप किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को वो हार्म कर रहे हो, आप अब ऐसा लॉ नहीं बना सकते, समझ गया। तो यहाँ पर मेनका गांधी वाले जो ये है ना इसको इसने आर्टिकल 21 को एक बहुत ब्रॉड टर्म दे दी कि सिर्फ इतना नहीं है, ये जो एक लाइन लिखी है ना इसमें ये सिर्फ इतनी इतनी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और मैं आज की डेट में भी बता रहा हूँ, आप जब भी ये लोग वीडियो देख रहे हो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, आप सोचो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। क्योंकि जो एक और केस आया था फ्रांसिस कोरेली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब इसमें क्या बोला गया था कि जो राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड करता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, कि आप जी तो रहे हो, जीने का अधिकार तो है आपका, लेकिन आपका ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है आपका। ऐसी कोई एनिमल लाइफ नहीं जी रहे आप, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है आपका। ये केस में ऐसा बोला गया। अब आपको जब राइट टू लाइफ में आपको ह्यूमन डिग्निटी दे रहे हैं, तो आप सोचो आपको राइट टू लाइफ में क्या क्या मिल सकता है, आप खुद सोचो। आपको हेल्थ मिल सकती है, आपको वाटर मिल सकता है, आपको इन्वायरमेंट मिल सकता है, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, पर जो जो आप सोच सकते हो, एजुकेशन, प्राइवेसी, क्या क्या नहीं मिल सकता आपको। राइट टू लाइफ एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों। आने वाले टाइम में अगर राइट टू इंटरनेट भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए, क्योंकि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। राइट टू लाइफ मतलब क्या, हम इसमें इस केस ने ऐसा बोल दिया कि ऐसा एनिमल लाइफ तो आपको देंगे नहीं, हम लोग देंगे तो डिग्निटी वाली लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार आपका, सम्मान के साथ। तो ऐसे ही सम्मान तो नहीं मिलेगा, सम्मान तो कई सारी चीज़ों से होता है, एजुकेशन, डिग्निटी। और एक और अपन केस देख लेते हैं, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यही ये केस था जिसमें बोला गया था कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एक क्लीन इन्वायरमेंट में जीने का आपका अधिकार है राइट टू लाइफ में। अब आप खुद ही सोचो, अगर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट होगा तो ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं। क्यों, अगर पानी गंदा होगा, हवा गंदी होगी, नॉइस पॉल्यूशन होगा, कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं मेरे जीने के अधिकार को वो तो डिप्राइव कर रहा है ना, है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ब्रॉड टर्म है। एक और केस आया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को एक पार्ट माना गया था राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट माना गया था मोहिनी जैन वाले केस में, ठीक है। अब बात आती है राइट टू डाई कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी तो मैं समझ गया, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी मैं समझ गया, लेकिन अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो क्या मेरे पास मरने का अधिकार है क्या। तो यही इसकी भी एक पूरी, आप ये समझ लो पूरी स्टोरी है। शुरू करते हैं वो स्टोरी। तो एक केस आया था पी राथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, जो 309 IPC है, जो कि आपको, जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस बताता है, 309 IPC, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि कोई आदमी सुसाइड कर रहा है तो वो समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए 309 IPC जो है वो मैं, जो वो सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब उसके बाद एक केस आया श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो पी रथी नाम वाला जो जजमेंट है उसको ओवर रूल कर दिया और उसको बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। व्हाई, क्योंकि अगर हम आपको जीने का अधिकार दे रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि आपको मरने, मतलब डिग्निटी के साथ आप मरोगे, ठीक है। और डिग्निटी के साथ आप तभी मर सकते हो जब आपको एक नेचुरल डेथ मिले, सुसाइड करने से डिग्निटी के साथ मरना नहीं होता है। मतलब कि आपने सुसाइड करी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिग्निटी के साथ मरे हो, ये नहीं माना जाएगा। इसीलिए राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये इस केस में साफ साफ बोल दिया था, ठीक है। लेकिन अब बात क्या हुई है, अब बात यह हुई है कि एक एक्ट आया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो कि 309 IPC में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। 309 IPC क्या बोलता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन ये जो एक्ट है इसका एक्ट का, इसके एक्ट का सेक्शन 115 का सबसेक्शन 1 जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई आदमी स्ट्रेस में है और इसलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है।
स्ट्रेस में है फिर वो अटेम्प्ट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी 309 आईपीसी में कि अब कुछ कहीं ना कहीं राइट सुसाइड अटेम्प्ट करना कहीं ना कहीं ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन बस बात इतनी सी नहीं होती, आदमी मरता है दो चीज़ों से मर सकता है, वो या तो वो सुसाइड कर ले, सॉरी या तो वो सुसाइड कर ले या फिर यूथनेसिया से मर जाए वो। अब यूथनेसिया क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक आदमी सुसाइड तो आपको मालूम है, अब यूथनेसिया क्या होता है कि मान लो एक आदमी वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब बीमार है, आदमी वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, बहुत उसको समझ रहे हो आप, मतलब जी नहीं पा रहा, उसको ज़बरदस्ती आप इंजेक्शन दे दे के आप उसको जिंदा रख रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। तो उस मारना, अब यूथनेसिया दो तरीके का होता है, एक तो एक्टिव यूथनेसिया, एक पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया मतलब कि या तो आप इंजेक्शन दे के आप उसको मतलब कुछ इंजेक्ट करके आप उसको उसकी जान ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जान क्यों ले रहे हो आप, वो समझ रहे हो ना कि कोई आदमी जान क्यों लेगा, कि उसको राहत दिलाने के लिए, मतलब कि उसको मार के उसको उसका जो वो है जो 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 सफरिंग से वो गुजर रहा है वो सफरिंग से उसको आज़ाद कर दे वो, ठीक है। कभी 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 लेट गो करना ज़्यादा इजी होता है रोक के रखने के लिए, तो इसीलिए तो एक्टिव यूथनेसिया कि आप कुछ इंजेक्ट करके आप उसको मार रहे हो तो वो इलीगल है। एक होता है पैसिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया मतलब कि जिस कारण से वो आदमी जिंदा है, मतलब कि जैसे कि दवाइयाँ हो गई, कुछ इंजेक्शन हो गए, जिस इनकी आप ये आप उसको दे रहे हो तो इस वजह से वो आदमी जिंदा है, तो आपने वो देना बंद कर दिया, जो उसका एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम है वो आपने उसको देना बंद कर दिया, वो देने वो बंद करके वो आदमी मर गया, तो वो होता है पैसिव यूथनेसिया, तो वो लीगल है। वो किस एक्ट, वो किस केस लॉ से लीगल हुआ था, अरुणा रामचंद्रा शनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का ये केस है जिसने कि पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज कर दिया था, ठीक है। तो ये था पूरा राइट टू डाई। अब राइट टू डाई हमने पढ़ लिया, अब राइट टू प्राइवेसी देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो है वो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आया था। अब इस केस में क्या हुआ, 9 जज बेंच थी जिसने 9 जज बेंच ने यूनैनिमसली ये फैसला सुनाया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक एसेंशियल पार्ट है, दैट इज़ वाई राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ से आया, इस केस से आया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, किसी में भी आप पिटीशन लगा दो, राइट टू रोड, राइट टू शेल्टर, क्लीन वाटर, और क्या क्या आप बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो आप, जो आपकी इच्छा। राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी में क्या आ सकता है, जिंदगी, डिग्निटी, उसको और आप तोड़ दो, क्या क्या आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। राइट टू मैरी, सब कुछ आ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा बहुत ब्रॉड टर्म है, और अभी तो और भी मुझे लग रहा है ब्रॉड होने वाली है, जैसे जैसे हम सोसाइटी बदल रही है और भी ब्रॉड होने वाला राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ये वीडियो 2022 में बना रहा हूँ, अभी तक इतना ही हुआ है, हो सकता है आगे और भी कुछ हो जाए, जो कि होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।